इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, तो ये अपने पास टू इक्वेशंस हैं और इसके जो रूट्स हैं आर साइमल्टेनियसली रियल, दोनों की ही रूट कैसे हैं, रियल रूट हैं, देन प्रूव दैट बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, और ये हमें प्रूव करना है। तो रियल रूट हमने पढ़ा है कि डी इक्वल टू जीरो होने पर रियल और इक्वल रूट होते हैं, तो इसमें भी रियल रूट होते हैं, और डी ग्रेटर देन जीरो होता है तब भी रियल और डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, और जो डी लेस देन जीरो था उसके अंदर इमेजिनरी रूट होते हैं। तो ये ऊपर वाली दोनों ही कंडीशन लगने वाली है क्योंकि दोनों के अंदर रियल रूट होते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है, सबसे पहले इसके लिए हम लोग मान लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट D1 है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो ये वाली कंडीशन यूज करेंगे। तो डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4AC होती है, ये हमें पता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब बी है क्या इस वाली इक्वेशन में, एक्स का कोफिशेंट जो होगा वो बी होगा, तो वो यहाँ पे 2b है, तो b की जगह लिखेंगे 2b और इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू ए, एक का मतलब था एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट जो कि इस वाली इक्वेशन में ए ही है, और सी का मतलब था कॉन्स्टेंट टर्म जो कि सी ही है, तो ये वाले तो ऐसे कैसे आ जाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हम माइनस 4ac को इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो 4b² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4ac, तो साइन चेंज नहीं होंगे माइनस वाले पार्ट को उधर ले जाने पे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो b² ग्रेटर देन और इक्वल टू ac, ये अपने पास फर्स्ट सिचुएशन बन चुकी है। ऐसे ही सेकंड वाले की बात करें तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट d2 मान लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लिखेंगे। अब d की वैल्यू b² माइनस 4ac होती है, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, तो b की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में क्या है, x का कोफिशेंट माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ac है, तो b की जगह लिखेंगे माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ac, और इसका स्क्वायर करना है, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट यहाँ पे b है, तो b लिखेंगे, इंटू सी का मतलब कॉन्स्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर बी ही है, तो इसकी जगह पे भी बी लिखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा और ए सी आ जाएगा, माइनस इधर आ गया 4b² ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम लोग माइनस 4b² को उधर ले जाएंगे, तो 4ac, तो साइन चेंज होने वाले नहीं है, 4b² आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ए सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2b² आ जाएगा। ये अपनी सेकेंड सिचुएशन बन चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर तो 2b² ग्रेटर और इक्वल टू है ए सी के, और यहाँ पर ए सी ग्रेटर है, यानी कि 2b² लेस देन हो चुका है यहाँ पे, तो दोनों सिचुएशन एक ही कंडीशन में पॉसिबल है। यदि इक्वल का साइन नहीं होता तो इस तरीके से बनते कि 2b² ग्रेटर हो गया ए सी से, और इधर हो जाता एक तरीके से 2b² लेस देन हो गया ए सी से। तो यदि इक्वल का साइन नहीं होता ना, तो ये वाली सिचुएशन कभी भी पॉसिबल ही नहीं होती, दोनों के दोनों सिचुएशन एक साथ कभी भी, ऐसे कोई भी नंबर नहीं होते हमारे पास जिसकी वजह से 2b² एक बार तो ग्रेटर हो जाता है एसी से, और एक बार 2b² लेस देन हो जाता है एसी से। लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन साथ है, तो ये दोनों सिचुएशन तभी पॉसिबल है, इनका जो कॉमन पार्ट है वो क्या आ जाएगा अपने पास, 2b² इक्वल टू ac, यानी कि ये दोनों सिचुएशन कब पॉसिबल होंगी, जब 2b² इक्वल टू ac होगा तभी पॉसिबल हो सकती है, नहीं तो कभी भी पॉसिबल नहीं होंगी। जैसा कि हमने देखा कि इक्वल वाला पार्ट नहीं होता, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।